हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, फिट होंगे, ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ फिलहाल। और आज काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है, बिकॉज़ अभी ना दिवाली का ब्लॉग भी मैं अपलोड नहीं कर पाई, बिकॉज़ मेरा ना फ़ोन टूट गया था दिवाली के दूसरे दिन। एक्चुअली ना दिवाली के दूसरे दिन मेरा फ़ोन टूट गया था, तो वो भी रिपेयर होने के लिए गया है, और अब देखो कितना टाइम लगता है। और इसलिए ना मैं दिवाली का ब्लॉग भी नहीं डाल पाई थी, और भी काफ़ी टाइम हो गया मुझे ब्लॉग डाले। तो आज थोड़ा बहुत मैं दिवाली के जो भी छोटे मोटे थोड़े से वीडियोस मेरे फ़ोन में पड़े थे वो मैं ऐड कर रही हूँ, और नेक्स्ट ना बिरनी को। और आज का ब्लॉग होने वाला है देवउठनी ग्यारस के दिन का। तो देवउठनी ग्यारस आई थिंक 21 या 22 तारीख की थी। तो बिरनी को उस दिन चूड़ा बदलवाया था, मतलब शादी का चूड़ा जो था वो बदलवाया था। और अब इसलिए बदलवाया कि अगर नहीं बदल पाते तो उसके बाद 1 साल या 3 साल बाद बदलना पड़ता है, इसलिए ना कोई डर ना रहे। इसलिए जो शादी का चूड़ा था वो हमने मम्मी ने बदलवाया था। तो एक्चुअली ना वीडियो आज काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, तो मुझे डेट भी कंफर्म याद नहीं है कि 21 थी या 22 थी, 22 थी या 21 थी, बट जब भी थी देवउठनी ग्यारस तब चूड़ा पहनाया था बिरनी को। तो आज का ब्लॉग होने वाला है बिरनी के चूड़े बदलाई का। सो वी कंटिन्यू। एंड आज और उसके 2 दिन बाद हम लोगों ने पियर्सिंग करवाई थी। नए पहनाएंगे को। चूड़ा बदलवा के और पहनाया था गोल्ड का चूड़ा जो शादी में बनवाया था। तो जब भी चूड़ा बदलवाते हैं तो शादी के अपनी शादी के बाद जो पहला सावा होता है उस पे चूड़ा बदलाया जाता है। हमारे राजपूतों में रिवाज होती है कि जो पहला सावा होता है ना तब चूड़ा बदला जाता है। पीनी की शादी के बाद देवउठनी ग्यारस पहला सावा था, तो मम्मी ने उसी दिन बदलवा दिया। तो इस बार ना दिवाली भी हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की थी, बट उसका ब्लॉग कुछ टाइम बाद आएगा, क्योंकि अब जब भी मेरा फ़ोन ठीक होके आएगा उसके बाद ही मैं ब्लॉग अपलोड कर पाऊँगी। अभी हम लोग जा रहे हैं बिट्टू के टीका लगवाने, 1.5 महीने वाला। तो 1.5 महीने की हो गई है बिट्टू और इसके वैक्सीन लगेगा, तो अभी हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। और आज मैं ड्राइव करूँगी, काफ़ी टाइम बाद, मतलब बच्चा होने के बाद पहली बार ड्राइव कर रही हूँ।
तो लेट्स गो। तो सबसे पहले हमने लगवाया किट्टू के टीका, जीजा की बेटी है किट्टू, उसके वो 9 मंथ का उसके वैक्सीन लगा था। कुछ नहीं हुआ। तो भाई उसके बाद बिट्टू के टीका लगेगा, तो मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि इसका ना फर्स्ट वैक्सीनेशन है 1.5 महीने वाला, तो मुझे ये डर लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रोएगी और इसके फिर फीवर भी आने वाला है। तो मैंने तो बस जीजा की गोद में दे दिया था कि आप ही लगवाओ, मेरी तो बिल्कुल भी बस की बात नहीं है क्योंकि रोती है वो, मुझसे ऐसे बर्दाश्त नहीं होता। तो बहुत तेज़ रोई थी ये। उसके बाद मैं और विनी जीजा हम दोनों गए सोनी की शॉप पे, जहाँ पे हम लोगों को करवाना था पियर्सिंग। मतलब हमारे ना नीचे जो कान के छेद हो रखे तो वो काफ़ी लूज हो गए थे, और फिर फेशियल भी चल रही थी, विनी दर्द हुआ, दोनों गए और पियर्सिंग करवाई। डन 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 by your side when the sun sets.